सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशन। आज हम आपको दिखाएंगे वेस्ट्रो बिलिंग में कैसे टच पॉज के अंदर बिलिंग करते हैं। तो ये अपना मेन डैशबोर्ड है और इसके बैकएंड में एक और एक एप्लीकेशन रन होता है जिसके थ्रू आप मेनू अपडेट कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे हॉल दिए गए हैं, यहाँ पे होम डिलीवरी, नॉन एसी और टेक अवे, गार्डन या फिर अदर हॉल आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि टेबल नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में और कार्ड के लिए ऑप्शन दिए हैं और इस प्रकार इसमें आपकी टोटल यहाँ पे शो हो जाती है। कस्टमर डेटाबेस के लिए आपको ये ऑप्शन मिलता है, ऑर्डर सेव करने के लिए उसके बाजू में ऑप्शन है, ये सारे कैटेगरीज है, जो भी कैटेगरीज है आपके यहाँ पे आपको इन बिटवीन ये डिस्प्ले आपको मिल जाते हैं। फिर राइट हैंड साइड में शॉर्टकट बार है और आपको अगर नॉर्मल मोड में जाना है जो कीबोर्ड से ऑपरेट होता है तो उसमें जाने के लिए आपको यहाँ पे टेबल ऑर्डर पे क्लिक करना है। जस्ट क्लिक करने के बाद आप टेबल ऑर्डर में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बिलिंग करना सबसे आसान प्रोसेस होता है। तो इसमें आने के बाद आप कोड नंबर से कर सकते हैं, बट आज की जनरेशन में यहाँ पे बिलिंग करने के लिए आपके पास कोड नंबर याद रखना थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि ज़्यादा आइटम में आप इसमें बिल कोडिंग याद नहीं रख सकते। तो टच पॉज में हम लोगों ने ये ऑप्शन दिया है कि माउस के थ्रू आप फटाफट यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका टच पॉज परचेस करने का जो कॉस्टिंग है, हार्डवेयर कॉस्टिंग है, वो आपका बच जाएगा। आप माउस ऑपरेशंस में सिंपल लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर बिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाश्ता में से हम लोग नाश्ता कैटेगरी में से हम लोग कुछ आइटम सिलेक्ट किए और कार्ड में जैसे क्लिक करते कार्ड में ऐड हो जाते हैं। अभी यहाँ पे चिकन सूप में मैं कोई आइटम सिलेक्ट करता हूँ, चिकन मशरूम, तो वेज रोल में आ गए। वेज रोल में एक पनीर शेजवान रोल पर सिलेक्ट किया। बेवरेजेस में आ गए, यहाँ से आप क्लिक करके मेनू ऐड कर सकते हैं कार्ड में। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, आप नाम टाइप करके भी आइटम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको KOT बनाने के लिए सिंपल KOT पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई मेनू डिलीट करना है तो आइटम ऐड होने के बाद आप उसको डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ कम ज़्यादा करना है तो भी प्लस और माइनस की यहाँ पे दिए गए हुए हैं, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। देन उसके बाद KOT पे देखिए, KOT पे क्लिक करने के बाद 11 नंबर टेबल पे आपके 8 आइटम अपडेट हो चुके हैं। तो 8 आइटम में से जो 3 आइटम है, पनीर शेजवान, फ्राइड राइस हाफ, उसकी क्वांटिटी 3 दिखाई दे रही है, तो उसको हम लोग प्लस माइनस बटन के ज़रिए अपडेट कर चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं उसकी क्वांटिटी 2 हो गई है। तो इस प्रकार आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टमर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर डेटाबेस में से सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का नाम और नंबर अपडेट हो जाएगा एज वेल एज आपके बिल में भी प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार आपका बिल सेटलमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आप डिस्काउंट परसेंटेज में और रुपीज़ में दे सकते हो। उसके बाद आप सेटलमेंट में क्लिक करेंगे तो बिल आपका डायरेक्टली सेटल हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग ओवरऑल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल नंबर जो था 16, वो 800 रुपया जी पे से सेटल दिखा रहा है। इसका रिपोर्ट प्रॉपरली आपको प्रिंट